सभी दोस्तों राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई सबसे पहले चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग योग करते रहिए भाई, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि योग एक दिन करने से कुछ नहीं होगा भाई। अपने जीवन के अंदर योग को धारण कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा धारण करनी चाहिए जीवन में। और एक दिन योग करने से, तस्वीर खिंचाने से आपको क्या मिलेगा? सोशल मीडिया पर लाइक मिल सकते हैं, व्यू मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने योग को अपने जीवन में धारण कर लिया, फिर देखना भाई आपको जीवन के अंदर क्या मिलेगा, आप सभी को पता लग जाएगा। भाई मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, योग को हमेशा के लिए ज़रूर धारण करें, क्योंकि योग करना आज के समय बेहद ही ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारे खान पान में बदलाव आया है, तो हमारे लिए शारीरिक क्रिया करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों आज की बात करते हैं भाई, आज की आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है, 25,000 पदों पर नई भर्ती आएगी। तो ये किस चीज़ के पद हैं भाई, सारी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम फालतू चीज़ें शेयर नहीं करते, सिर्फ काम की बात करते हैं। जो चीज़ आप हमसे पूछते हैं वही चीज़ें शेयर की जाती है। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो साथी पहली बार चैनल पर आए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी आपका सवाल है ज़रूर पूछिए भाई। तो दोस्तों बिना देरी के मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो क्या है पूरा मामला, हरियाणा में 25,000 प्राथमिक योग प्रशिक्षक होंगे भाई भर्ती, यानी 25,000 की भाई प्राथमिक योग प्रशिक्षक जो आपके लगाए जाएंगे हरियाणा के अंदर, भर्ती किए जाएंगे। 25,000 पदों में भर्ती आएगी, योग प्रशिक्षक भाई यानी योग ट्रेनर हैं जो हरियाणा के अंदर आपके 25,000 की भर्ती करने वाली हरियाणा सरकार है। तो पूरे देश में सबसे पहले स्कूली पाठ्यक्रम में योग के एक विषय के रूप में लागू करने पर हरियाणा में युवाओं के लिए जल्द ही रोजगार के द्वार खुलने लगेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 25,000 प्राथमिक योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय विद्यालय PM-श्री स्कूलों में भी 1,000 पदों पर योग प्रशिक्षक भर्ती किए जाएंगे। ये कहना है हरियाणा आयोग के, जो आपके योग आयोग के चेयरमैन है भाई जयदीप आर्य, उन्होंने ये बयान दिया भाई योग दिवस के अवसर पर, ऐलान किया है कि हम 25,000 प्राथमिक योग प्रशिक्षक नियुक्त करेंगे, यानी 25,000 प्राथमिक योग ट्रेनर नियुक्त किए जाएंगे भाई। योग विषय लेने पर विद्यार्थियों को मिलेंगे अतिरिक्त अंक, जिस तरीके से आपको NCC के जो अंक मिलते हैं उसी तरीके से भाई आपको अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे अगर आप योग विषय को अपनी पाठ्यक्रम में या जो आप स्कूल कॉलेज में जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे अपना योग विषय लेते हैं। तो साथ में आपको हरियाणा योग आयोग जारी जो आपका सी सर्टिफिकेट करेगा, जैसे NCC का आपका सर्टिफिकेट मिलता है ना आपको, इसी तरीके से भाई हरियाणा योग आयोग जारी आपका करने वाला है सी सर्टिफिकेट, यानी सी सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा अगर आप योग विषय के अंदर योग को पढ़ते हैं और योग को अपने जीवन के अंदर भाई अपनाते हैं। और आपकी भर्ती भी हरियाणा के अंदर प्राथमिक तौर पर योग प्रशिक्षकों की 25,000 पदों पर भर्ती करने वाले हैं। ये आज का भाई योग दिवस के अवसर पर इन्होंने ऐलान कर दिया है। तो देखते हैं दोस्तों आपकी 25,000 पदों पे ये भर्ती निकालेंगे क्या। लेकिन एक अच्छी अपडेट हम कह सकते हैं, योग दिवस के अवसर पे ऐलान हुआ है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ है भाई। जो साथी योग करें उनके लिए, जो साथी भाई ट्रेनर लगना चाहते हैं, प्रशिक्षक लगना चाहते हैं, प्रशिक्षण देना चाहते हैं योग पर, तो भाई उनके लिए अवसर हो सकता है। तो भाई आप सभी सजग हो जाइए, आपके लिए एक मौका यहाँ पर हो सकता है। और भाई आप सभी तैयारी करते रहें, क्योंकि दोस्तों 2-2.5 महीने बचे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। उम्मीद मत छोड़ना, और जिसने उम्मीद छोड़ दी दोस्तों उसका कुछ नहीं होना, उम्मीद कायम रखना, सारी चीज़ें पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेगा। तो भाई आप सभी ने ये जानकारी देनी थी मैंने, तो मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।